स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2A। तो एक्सरसाइज 2A में क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि डिफाइन करो वर्क। डिफाइन वर्क क्या होता है? व्हेन इज वर्क सेट टू बी डन बाय अ फोर्स। और कहा जाता है कि फोर्स ने वर्क डन कर दिया। जरूरी नहीं है कि फोर्स अप्लाई हो और वर्क डन हो। तो वर्क क्या होता है? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, जब फोर्स लगाया जाए ऑन अ बॉडी किसी चीज पे, एंड देयर इज डिस्प्लेसमेंट, यानी उसका पोजीशन चेंज हो। फोर्स लगाया और ये डिस्प्लेस होके बॉडी यहां को चली आई, तो ऐसे कंडीशन में वर्क इज सेट टू बी डन, यानी काम हुआ है। वर्क इज सेट टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी मेक्स द बॉडी मूव। इट मींस कि डिस्प्लेसमेंट हो बॉडी में। अगर यहां कहीं दीवार है, ठीक है, और उस दीवार को कोई पुश कर रहा हो, धक्का दे रहा हो, और दीवार का कोई मूवमेंट तो होना नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि धक्का दिया दीवार टूट जाएगी या गिर जाएगी या बाजू वाले पड़ोसी के घर में दीवार हमारे घर की घुस जाएगी, है ना, हमारा घर बड़ा हो जाएगा, तो ऐसा होना नहीं है। तो इट मींस अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो नो वर्क इज सेट टू बी डन। कब होगा वर्क डन? जब फोर्स लगेगा और फोर्स डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द वर्क डन बाय अ फोर्स मेजर्ड। कैसे मेजर किया जाता है वर्क डन को? व्हेन फोर्स इज इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स क्या हो? डायरेक्शन में हो डिस्प्लेसमेंट के। तो कैसे मेजर होगा? अ फोर्स इज एट एन एंगल ऑफ टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जिनको जब सीधा होगा ना, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स into displacement of point of application of the force in the direction of force, ठीक है, F into S। अब अगर यहां पे आपका अगर सेम डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ना होके एक एंगल बनाते हुए, है ना, इस तरीके से आपका हो, तो अब अगर फोर्स लग रहा है तो ये इस लाइन पे आपकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, बॉडी एक्चुअली में डिस्प्लेस होगी यहां पे। तो इस डायग्राम को पहले हम पूरा कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको पता है यहां पे सी ले रहे हैं हम, आपको पता है कि कॉस थीटा क्या होती है। तो कॉस थीटा आप कहोगे कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट हुई है ना, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहां से AB की वैल्यू क्या निकल के आएगी? cos थीटा इनटू ये डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, यानी cos थीटा इनटू AC, दिख रहा है ये AC, है ना, ये आ जाएगी AB की वैल्यू। तो इसीलिए इसका क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लगाते हैं? S cos थीटा, ठीक है। ये आगे भी अभी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ फोर्स एफ एक्ट ऑन अ बॉडी, एक फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर, एंड डिस्प्लेसेस इट बाय अ डिस्टेंस एस इन अ डायरेक्शन एट एन एंगल थीटा। क्या है यहां पे? एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस एंगल पे ये ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन बाय द फोर्स। तो यहां अभी हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा? F इंटू एस कॉस थीटा होगा, ठीक है। क्या होगा वर्क डन हमारा ऐसे कंडीशन में? फोर्स इंटू एस कॉस थीटा, और S इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट टू गिव जीरो एंड मैक्सिमम वर्क? अगर मैक्सिमम वर्क चाहिए आपको, तो मैक्सिमम वर्क के लिए cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, यानी कि
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का सेम डायरेक्शन हो, इन दोनों के बीच में जो एंगल हो वो कितना होना चाहिए, वो जीरो डिग्री होना चाहिए। वही बात करें अगर हमको जीरो चाहिए तब क्या होगा, दोनों के बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो सारा प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो कि वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फॉर्मूला हो गया, एंगल कितना होना चाहिए, cos 90 और cos 0। cos 0 किसके लिए, जब हमको मैक्सिमम वर्क डन चाहिए, और cos 90 कब, जब वर्क डन हमको कितना चाहिए, जीरो चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स स्टेट टू कंडीशंस व्हेन द वर्क डन इज जीरो। अब किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, बॉडी पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो जाए, जीरो डिग्री। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, हमारा फोर्स जो है मैक्सिमम होगा। अब करना क्या है, हमको जीरो लाना है, और वर्क डन डिपेंड करता है सिर्फ दो चीजों पे, या तो फोर्स के ऊपर या तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो या तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जाए तो पूरा का पूरा वर्क डन जीरो हो जाएगा, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल हो टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी हो जाए, जीरो डिग्री हो जाए। तो ऐसे में क्या लगेगा, एफ एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा यानी कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू जीरो, तो उससे पहले जो कुछ भी आपने मल्टीप्लाई किया सब क्या हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टेट द कंडीशन व्हेन द वर्क डन बाय अ फोर्स इज पॉजिटिव नेगेटिव, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन कब होता है, पॉजिटिव तो हमने देख लिया कि जब दोनों के बीच में जीरो डिग्री का एंगल बने, किसकी किसके बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। नेगेटिव कब होगा, जब दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बने। अब इस तरीके का कब होगा, जब हम कोई चीज ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी किधर करेगी, उसको नीचे की तरफ खींचेगी, जबकि उसका मोशन किधर है, ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ। तो ऐसे में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री का, और आपको पता है कि F इंटू S इंटू cos 180 डिग्री करेंगे तो cos 180 की वैल्यू -1, यानी यहां पे जो वर्क डन आएगा वो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होने वाला है। तो यहां पे कंडीशन, जब वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा कि डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में हो। अच्छा, दूसरा है आपका, अच्छा पुशिंग अ कार एग्जांपल है, ऑन रोड इज पॉजिटिव वर्क डन होगा, है ना, कोई चीज यहां पे धक्का दे रहे हो आप, यहां पे मान लो ये कार है, ठीक, इसके मैंने पहिए बना दिए, ठीक, तो ये कार क्या है, आप पुश कर रहे हो, ये पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। नेगेटिव कब होगा, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और पुल नीचे की तरफ लग रहा है, ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। और इसका एग्जांपल क्या है कि जब कोई बॉल ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी उसके अगेंस्ट में नीचे की तरफ काम कर रही होती है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा होता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आपका वर्क डन नेगेटिव आता है बाय द ग्रेविटी। अ बॉडी इज मूव्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ये तो वही वाली बात हो गई, फोर्स मान लो इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इसका इधर हो रहा है ना, तो ऐसे में स्टेट whether the work is done by force or work is done against the force, तो ऐसे में work done क्या हो रहा है, against the force, फिर वही वाला example आएगा, displacement ऊपर की तरफ, force नीचे की तरफ, कौन सा, जो बॉल आप थ्रो कर रहे हो
कहीं ऊपर की तरफ, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कैसा है, निगेटिव वर्क डन कर रही है ना, तो ऐसे में वर्क डन कैसा हो रहा है, अगेंस्ट द फोर्स, फोर्स के खिलाफ ऐसे वर्क डन हो रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है ना, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में जब बॉडी मूव कर रही है तो हाउ मच वर्क इज डन बाय द बॉडी, गिव रीजन। तो पहले वाले चैप्टर में हमने सेंट्रीपेटल फोर्स वाले में देखा था, सर्कुलर मोशन के बारे में भी पढ़ा हुआ था। तो बॉडी अगर अगर बिल्कुल राउंड जा रही है तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स कैसा लग रहा है, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे है इसके डिस्प्लेसमेंट के साथ। ऐसे कंडीशन में जब cos 90 लगाएंगे, cos 90 की वैल्यू 0, तो यानी कि कोई वर्क डन हुआ ही नहीं, सारा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0। नो वर्क इज डन सिंस डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ द बॉडी, और फोर्स क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स। ये आपका सेंट्रीपेटल फोर्स है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि अ सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड अर्थ, सैटेलाइट रिवॉल्व करती है अर्थ के अराउंड में सर्कुलर ऑर्बिट में, व्हाट इज द वर्क डन बाय द सैटेलाइट, गिव रीजन। अब जब यहां आपने पढ़ लिया कि कितना वर्क डन होगा, cos 90 के अकॉर्डिंग 0 आएगा, तो फिर ये वाला क्वेश्चन तो आपके लिए क्लियर होना चाहिए कि वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि हर एक इंस्टेंट पे, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टेंजेंटली बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा किसके, ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपका cos 90 0, तो पूरा प्रोडक्ट फोर्स कितना भी रहे, डिस्प्लेसमेंट कितना भी रहे, यहां पे इसकी cos 90 की वैल्यू 0, तो वर्क डन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट वेदर वर्क इज डन और नॉट बाय राइटिंग यस और नो इन द फॉलोइंग केसेस। अ मैन पुशेस अ वॉल, ये बंदा देखो यहां पे वॉल पुश कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट होगा क्या यहां पे, नहीं होगा, तो यहां पे नो वर्क इज डन। फिर अ कूली स्टैंड विद अ बॉक्स ऑन हिज हेड फॉर 15 मिनट, अब ये 15 के बजाय 50 मिनट भी खड़ा रहे तो कोई वर्क डन नहीं हुआ क्योंकि यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। फिर अ बॉय क्लाइम्स अप 20 स्टेयर्स, 20 सीढ़ियां ये चढ़ रहा है ना, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहां डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है तो यस वर्क इज सेट टू बी डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, A coolie X carrying a load on his head climbs up a slope. एक कूली है, लोड लेके एक स्लोप पे चढ़ रहा है, ठीक है, इसकी खोपड़ी पे लोड है, लो भाई लगा लो लोड। Y एक दूसरा कूली है, आइडेंटिकल लोड अपने हेड पे लिया हुआ है, moves the same distance on a frictionless horizontal platform. एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे फ्रिक्शन लेस सॉले पे चलता है, ठीक है, सेम डिस्टेंस। हु डज मोर वर्क, एक्सप्लेन द रीजन। तो देखो किसने ज्यादा काम किया ये बताना है आपको। तो देखो यहां पे दो कंडीशन है, एक तो यहां पे ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो वर्क कर रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी भी, और दूसरा वाला क्या है कि सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टली वर्क कर रहा है, ठीक है, और वो भी फ्रिक्शन लेस वाले पे कर रहा है। तो कूली एक्स जो कैरी कर रहा है ना लोड अपने सर के ऊपर, वर्क कर रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है तो उसके खिलाफ ही काम कर रहा है। व्हाइल कूली वाई मूव्स ऑन अ फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, ये फ्रिक्शन लेस है, यहाँ पे मेंशन है ना ऊपर की फ्रिक्शन लेस है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, तो व्हाई डज नॉट वर्क मोर देन ए होगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जो है is normal to the force of gravity. अच्छा यहाँ पे ये साथ साथ लेके चल रहा है ना, तो हर एक इंस्टेंट पे यहाँ पे परपेंडिकुलर भी होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट जो है फोर्स के परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे cos 90 बनती रहेगी हर एक इंस्टेंट पे, तो इसलिए वर्क डन इसका कितना हो जाएगा, 0। लेकिन ऐसा कभी स्टेशन पे मत बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वर्क डन बाय अ फील्डर व्हेन ही टेक्स अ कैच इन अ क्रिकेट मैच इस नेगेटिव, एक्सप्लेन।
तो ये बंदा जो कैच ले रहा है इसने नेगेटिव वर्ड बैन क्यों किया, क्योंकि यहां पे डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा था और ये फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा था इसे रोकने के लिए। इनके बीच में कितना एंगल बना, 180 डिग्री का। FS cos थीटा cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 और इसीलिए ये वर्क डन नेगेटिव है। ठीक है, वर्क डन बाय अ क्रिकेटर व्हाइल कैचिंग अ बॉल इज नेगेटिव बिकॉज ही अप्लाइज फोर्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ बॉल, बॉल के डायरेक्शन के अगेंस्ट में इसने जो है फोर्स लगाया है। क्वेश्चन नंबर 12, गिव एन एग्जांपल व्हेन वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। जीरो कब होगा भाई, इसी कंडीशन में होगा, लो परपेंडिकुलर लग गया, डिस्प्लेसमेंट आगे को जा रहा है और ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। इवन दो द बॉडी डिस्प्लेस्ड गेट्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, हाँ भाई डिस्प्लेस हो रही है, लेकिन जैसे जैसे डिस्प्लेस हो रही है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सेम कंडीशन अप्लाई होगा और इसीलिए वर्क डन जीरो होगा। तो अ पर्सन कैरिंग अ बॉक्स ऑन हिज हेड मूविंग ऑन ग्राउंड डज नो वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड बीइंग हॉरिजॉन्टल इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल नीचे लगती है और डिस्प्लेसमेंट इसका आगे की तरफ, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, हाउ आर दे रिलेटेड। तो एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट होते क्या है पहले ये देखना है। तो एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और स्मॉलर यूनिट होता है, कैसे रिलेटेड है। तो एसआई यूनिट आपका जूल है और सीजीएस यूनिट क्या है, अर्ज। 1 जूल इज इक्वल टू 10^7 अर्ज होता है। और कैसे आता है, क्योंकि 1 जूल वर्क डन का मतलब है कि 1 न्यूटन का फोर्स किसी बॉडी पे लग के 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट पैदा करे। 1 न्यूटन को लिख सकते हैं 10^5 डाइन और 1 मीटर को हम लोग लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 10^5 और 10^2, 10^7 डाइन हो गया। तो वर्क यहाँ पे हम लोग कितना लिख सकते हैं इसकी यूनिट, वर्क डन की यूनिट को 10^7 अर्ज लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये क्या है, 1 जूल है ना। तो 1 जूल वर्क डन इज इक्वल टू 10^7 अर्ज, यहाँ पे W नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1 जूल होना चाहिए, 1 जूल इसके इक्वल होता है 10^7 अर्ज के। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेट एंड डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। एसआई यूनिट अभी हमने देखा कि जूल होता है और ये भी देखा कि जूल क्या होता है, कि जब 1 न्यूटन का फोर्स किसी बॉडी पे लगे और इस बॉडी के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट पैदा हो वो कितना हो, 1 मीटर का। तो इज दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, 1 न्यूटन का फोर्स डिस्प्लेस करे बॉडी को थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक्सप्रेस करना है जूल इन टर्म्स ऑफ अर्ज, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं इससे पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16, अ बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी है मास m के साथ फॉल डाउन करती है थ्रू अ हाइट h, बॉडी है मास m का फॉल डाउन करता है थ्रू अ हाइट h, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसके ऊपर कितना वर्क डन कर रही है, ऐसे तो देखो F इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे m इंटू g, ये जो मास है इसके ऊपर अर्थ कितना फोर्स लगा रहा है, इसके वेट के इक्वल लगा रहा है। और वेट कैसे हम लोग निकालेंगे, वेट निकालेंगे m इंटू g से। और वर्क डन क्या होता है आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअली में यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, हाइट है। तो m इंटू g इंटू h क्या हो जाएगा, वर्क डन m g h, ठीक है ये आ जाएगा। तो ये आपका वर्क डन होगा बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन दिस बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अ बॉय ऑफ मास m, m मास का बॉय है, क्लाइम्स अप अ स्टेयरकेस ऑफ वर्टिकल हाइट h, वर्टिकल हाइट का बिल्कुल ये स्टेयर है ठीक। तो ये यहां पे मास इसका
एम है और हाइट एच है। कह रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द बॉय अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसने कितना काम किया अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो भाई इसने जो काम किया दैट इज इक्वल टू एम जी एच, जो अभी हम लोग डिराइव कर चुके हैं, ठीक है। या फिर क्या कह सकते हो, एम जी को क्या लिख सकते हैं, एफ, तो एफ एच भी लिख सकते हैं। इसके अलावा व्हाट वुड हैव बीन द वर्क डन इफ ही यूजेस अ लिफ्ट क्लाइंबिंग द सेम वर्टिकल हाइट, अगर ये लिफ्ट यूज करके भी जाता सेम हाइट तक तो भी वर्क डन तो सेम ही होता, कितना आता एम जी एच ही आता, बोथ द केसेस डब्ल्यू यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन द टर्म एनर्जी एंड स्टेट इट्स एसआई यूनिट, एनर्जी क्या होती है, तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, जो हमारे अंदर ताकत होती है, जो हमारे अंदर क्षमता होती है, कैसे कोई काम हम कर ले रहे हैं, मुश्किल से मुश्किल काम कर ले रहे हैं, मतलब ज्यादा एनर्जी है। जिम में आप जाते हो, कोई भारी उठा रहा है, ज्यादा एनर्जी है, हल्का उठा रहा है, कम एनर्जी है, तो एनर्जी है क्या, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ऐसा यूनिट क्या होती है, इसकी जूल होती है, और जूल क्या है, तो जूल इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू वर्क ऑफ वन जूल इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम टेकन। तो एक जूल क्या होता है, जूल क्या होता है, ये कैपेसिटी होती है बॉडी की कि जूल काम करे इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम टेकन, यानी कि टाइम टेकन पे पावर डिपेंड नहीं करता। वैसे तो इसको लिखना नहीं था, सिर्फ आपको क्या लिखना है, ऐसा यूनिट लिखनी है और उसको लिखना है, ठीक है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता वर्क डन, ठीक है, पावर डिपेंड करता है किसके ऊपर, टाइम के ऊपर। व्हाट फिजिकल क्वांटिटी डज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीजर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम किसको मीजर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग मीजर करते हैं एनर्जी को। हाउ इट इज रिलेटेड टू द एसआई यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, इस तरह से ये रिलेटेड है एसआई यूनिट से एनर्जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच कैलोरी, तो 0.24 कैलोरी होता है, और 1 kWh इज इक्वल टू हाउ मच जूल, तो 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर्ड इन कैलोरीज, कैलोरीज में किसको मेजर करते हैं, हीट एनर्जी को, और चैप्टर आएगा क्लास 10th में ही कैलोरीमेट्री। हाउ इज इट रिलेटेड टू एसआई यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी, तो 1 जूल इज इक्वल टू 0.24 कैलोरी, और 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, ये हमने अभी फिल इन द ब्लैंक्स में भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, डिफाइन अ किलोवाट आवर एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू जूल, किलोवाट आवर क्या होता है, पहले तो जानो किलोवाट क्या होता है, किलोवाट आवर ये जो है आपका यूनिट है किसका, वर्क का ही। अब देखो वर्क होता क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, ठीक है, पावर इंटू टाइम भी होता है आपका वर्क डन, और 1 kWh कितना होता है, 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। तो या फिर और क्या कह सकते हो, 1 kW क्या होता है, वाट क्या है, पावर है, किलोवाट यानी उसकी बड़ी यूनिट है, तो 1 kWh इज द वर्क डन बाय अ सोर्स ऑफ पावर 1 kW, 1 kW का जो सोर्स है वो 1 घंटे काम करे, तो जो काम वो उसने किया जितना 1 घंटे में 1 kW के सोर्स में, उसी को हम क्या कहते हैं, 1 kWh कहते हैं, और ये इक्वल किसके होगा, देखो 1000 जूल के इक्वल 1 kW होता है, और 1 आवर इक्वल होता है 3600 सेकेंड के, और यहीं से ये रिलेशनशिप आई है कि 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻¹ हाउ मेनी जीरोस, 5 जीरोस, और एक डेसिमल इसका 6 × 10⁻¹ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द टर्म पावर एंड स्टेट इट्स एसआई यूनिट, पावर क्या है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, दो लोग काम कर रहे हैं, है ना,
अब दोनों काम कर रहे हैं, किसमें ज्यादा पावर है, किसको आप चुनोगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पावर देखना पड़ेगा। वर्क डन तो दोनों का सेम होगा, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि किसने टाइम जो है कम लिया और किसने टाइम ज्यादा लिया, है ना। तो वर्क डन को डिवाइड करेंगे टाइम से तो क्या निकलेगा, पावर, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट टू फैक्टर्स, दो फैक्टर आपको बताने हैं, ऑन विच पावर स्पेंड, जो पावर खर्च किया जा रहा है किसी स्वयंवर्स के द्वारा वो डिपेंड करेगी। एक्सप्लेन योर आंसर विद एन एग्जांपल। तो ये दो चीजों पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय, कितना वर्क डन हो रहा है, जितना वर्क डन होगा मतलब उतना ही पावर जो है खर्च किया जा रहा है। मोटर है, व्हीकल है, कुछ भी है, जितने ज्यादा समय तक के लिए चलाओगे, जितना ज्यादा उससे वर्क डन लोगे उतना ज्यादा उससे पावर स्पेंड हो रहा है। और दूसरा है कि टाइम टेकन बाय द सोर्स टू डू द सेड वर्क, कितना टाइम लिया। ये टाइम देखो, टाइम डिपेंड करता है ना, टाइम पे डिपेंड करता है पावर, है ना। कोई जल्दी कर देगा मीन्स ज्यादा पावर स्पेंड हुआ, किसी ने देर में किया मतलब धीरे धीरे कम पावर स्पेंड कर रहा था वो। एग्जाम्पल देख लो, If a coolie takes 1 minute to lift a load to the roof of a bus, while another coolie takes 2 minutes to lift the same load to the roof of same bus, the work done by both the coolies is same, but the power spent by coolie is twice because the coolie A does work at the faster rate, है ना? जैसे कि यहाँ पे work done एक जगह पे ले लो, power एक जगह पे ले लिया हमने 3/2 और दूसरी जगह पे हमने ले लिया 3/3। अब तुम खुद ही सोचो, वर्क डन दोनों का सेम है, लेकिन एक जगह पे मैंने 2 लिखा, एक जगह पे 3, इसका पावर 1 और इसका पावर कितना आ गया 1.5। जो जितना कम टाइम में करेगा उतना ही ज्यादा वो पावर जनरेट कर रहा है। तो जिसने कम टाइम में रखा, 1 मिनट में ही रख दिया, तो इसने 2 मिनट वाले के डबल काम किया, काम सेम किया मतलब पावर स्पेंड किया उससे 2 गुना। डिफरेंशिएट बिटवीन वर्क एंड पावर, वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है। तो वर्क तो हमने पढ़ा कि जब कोई फोर्स एक्ट करे, लगे किसी बॉडी के ऊपर और बॉडी क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए, किस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में फोर्स लगा है, तो हम कहते हैं वर्क इज सेड टू बी डन। क्या कहते हैं, कि काम हुआ। वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या है आपका, एफ इंटू एस है ना, क्या है ये, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इसकी एसआई यूनिट जूल होती है, और 1 जूल मीन्स 1 न्यूटन के फोर्स ने बॉडी पे लग के कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया, 1 मीटर का। पावर क्या होती है, ये रेट होता है काम करने का, किस रफ्तार से काम हो रही है, किस रेट से। वर्क डन को डिवाइड करेंगे टाइम से, जितना टाइम लिया गया उस काम को करने में, तो हमको पावर मिलेगा। और पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉट। 1 वॉट का मतलब क्या है, कि 1 जूल एनर्जी इज स्पेंट पर सेकेंड, हर सेकेंड कितना एनर्जी खर्च किया जा रहा है, 1 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन एनर्जी एंड पावर। अब एनर्जी क्या होती है, तो एनर्जी हमने देखा कि कैपेसिटी होती है बॉडी की काम करने की, जबकि पावर क्या होता है, पावर ऑफ अ सोर्स इज द एनर्जी स्पेंड बाय इट इन 1 सेकेंड, की पर सेकेंड वो कितना एनर्जी क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। यहां पे देखा ना तुमने, पावर के लिए 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड मीन्स 1 जूल एनर्जी पर सेकेंड खर्च हो रही है, तो यानी कि कितना एनर्जी खर्च हो रहा है पर सेकेंड। एनर्जी स्पेंड डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता कितना एनर्जी खर्च किया, इसकी ऐसा यूनिट वॉट होती है। और पावर स्पेंड जो है बिल्कुल डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, ऐसा यूनिट इसका जूल और इसका वॉट। तो ये हो गया 3 और इधर 4 है आपके पास। स्टेट एंड डिफाइन द ऐसा यूनिट ऑफ पावर, ऐसा यूनिट ऑफ पावर को आपको क्या करना है, बताना है और डिफाइन करना है ना। तो पावर इज सेट टू बी 1 वॉट। 1 वॉट कब कहेंगे, अगर 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड,
एक सेकेंड में पर सेकेंड 1 जूल वर्क अगर हो रहा है तो हम कहेंगे कि पावर कितना है, 1 वाट है, ठीक है। और वाट ही क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हॉर्स पावर। हॉर्स पावर में हम लोग किसको नापते हैं, तो हॉर्स पावर में हम लोग एनर्जी को नापते हैं। इज द पावर ऑफ एन एजेंट विच कैन वर्क 746 जूल पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 746 जूल आपका वो एनर्जी दे लेगा, ठीक है, इतना वो काम करेगा आपका वर्कमैन। और रिलेशन क्या है इसका, ये रिलेशन हो गया। अब यहां पे पूछ रहा था नेम द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हॉर्स पावर, तो वो पावर ही तो है, पावर है, पावर को ही हम लोग मेजर करते हैं हॉर्स पावर में, ठीक है। पावर आपका कितना होता है, 1 जूल पर सेकेंड होता है, वहीं आपका हॉर्स पावर क्या हो जाता है, 746 वाट, यानी कि 746 जूल पर सेकेंड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन वाट एंड वाट आवर। वाट क्या होता है और वाट आवर क्या है, तो इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड द पावर इज स्पेंट इज सेट टू बी 1 वाट, यानी कि 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल एनर्जी पर सेकेंड खर्च हो रही हो। इसका ऐसा यूनिट क्या है, पावर है, पावर का ऐसा यूनिट है। वेयर इज वाट आवर इज बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक बड़ा यूनिट है कौन, वाट आवर, ये वो पावर है 1 वाट का विच इज स्पेंट इन 1 आवर, यानी कि 1 वाट 1 घंटे के लिए खर्च होगी, तो जितना एनर्जी निकला दैट इज कॉल्ड वाट आवर, यानी 1 × 3600 जूल कितना आ जाएगा, 3.6 × 10³, यानी कि 3.6 और ये 1000 से डिवाइड कर दिया तो किस में कन्वर्ट हो गया, जूल, किलो जूल में आपका ये डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कि नेम द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड इन किलोवाट आवर। किलोवाट आवर एनर्जी के लिए यूज करते हैं, किलोवाट पावर के लिए बड़ी यूनिट है, वाट आवर ये भी एनर्जी के लिए, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी किसके लिए, एनर्जी के लिए यूज होता है। ये सारे यूनिट्स किसके लिए यूज होते हैं, एनर्जी और पावर के लिए। नेक्स्ट है आपका, इज इट पॉसिबल दैट नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई एनर्जी ट्रांसफर ना प्लेस करे जबकि फोर्स अप्लाई किया जा रहा है बॉडी पे, तो हाँ भाई ये तो कंडीशन वही वाली है कि कोई बोझा उठाया हुआ है अपने सर पे, ठीक है। ऐसा कब कब होगा, जब फोर्स नॉर्मल होगा डिस्प्लेसमेंट के, तो जब भी ऐसा कंडीशन आएगा कि डिस्प्लेसमेंट के नॉर्मल होगा बिल्कुल फोर्स, तो ऐसे में क्या होगा, हमारा एनर्जी कोई ट्रांसफर एनर्जी का नहीं होगा, यानी हम कहते हैं कि वर्क डन हुआ ही नहीं, बल्कि वर्क डन तो बहुत ज्यादा होता है, जाके पूछो उससे जो उठा के घूम रहा है। मल्टीपल चॉइस में हॉर्स पावर यानी 746 वॉट है ना, ये हमने पढ़ा अभी। फिर इसके बाद है किलो वॉट आवर किसका यूनिट है, तो किलो वॉट आवर एनर्जी का यूनिट है, बिजली बिल निकालना है इसी से, और इसके बाद बस ओवर, ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।